विदुषी प्रवक्ता साथिनी एवं 22 एवं 21 बैच के प्रिय प्रशिक्षुओं, आप सभी लोगों का इस मंच से सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और इसलिए भी स्वागत है कि कम से कम आप लोगों ने यह कार्यक्रम किया। देखिए, तमाम लोगों के पास बड़े शेर थे, शेरो शायरियां थी। आप लोग मुझे बहुत सुन चुके हैं। डीएलएड 2022 के प्रशिक्षुओं से मेरा एक आग्रह है कि मुझे लगता है कि आज के 3 वर्ष पहले जिस समय की परिकल्पना संस्थान में मैंने किया था कि हमारे डायट गोंडा में काव्य गोष्ठियां एवं मुशायरे आयोजित होने चाहिए, अब वो समय आ गया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे संस्थान के जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करके जा चुके हैं उनको भी बुलाने का अवसर प्राप्त होगा, और जो वर्तमान में प्रशिक्षु होंगे उन्हें भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक सुअवसर प्रदान सुअवसर मिलेगा, तथा हम लोग भी अपनी बाड़ी की खुजली मिटा लेंगे। क्योंकि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, देखो इनकी घरों में बड़ी दुर्गति होती है। अभी उन्होंने बयां किया ना, अपनी सारी स्थिति को उन्होंने बयां किया, घरों में कोई सुनते नहीं है। अब कारण यह है कि जो कोई मिल जाए उसी को सुना सुना करके, ये जितने भी मुशायरा करते हैं कभी हैं, ये सुना सुना करके उबा देते हैं, बिल्कुल उब जाते हैं, तो घरों में कोई सुनता नहीं। खैर, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए जिनके लिए यह विदाई समारोह रखा गया है, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने 2 वर्ष इस संस्थान में रहकर संस्थान की सुंदरता को, चारुता को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है, ऐसा ही सहयोग आप जहां रहें वहां करके उस स्थान को चमकाने में देंगे, ऐसी मेरी आशा है। हम जान रहे हैं आप लोग बिना कुछ सुने मानोगे नहीं, उसे समय को देखते हुए मैं कुछ बोलना चाह नहीं रहा था। लो, क्या सुनना चाहेंगे? अब आज आप लोग फिदाई है, आप जो बोलोगे सुना देंगे। श्रृंगार, शेर नहीं, शेर पर्याप्त भर के लिए हो गए। नहीं, कारण ये है ना कि शेर जब ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कतें पैदा होती, इसलिए शेर जो है वो थोड़े होने चाहिए जिससे कि जंगल में बराबर सामंजस्य बना रहे। तो एक छड़िका सुना दे रहा हूं, विदाई गीत नहीं, चलिए एक छड़िका सुना देता हूं। और मुझे कभी मैंने लिखा था, अचानक मुझे याद आ गई आपकी बात पर, मोहब्बत एक ऐसा शब्द है ना तो कभी व्याख्यायित किया जा सका है और ना किया जा पाएगा, क्योंकि जब लव इज गॉड एंड गॉड इज लव की परिकल्पना की जाती है और बात कही जाती है तो प्रेम मोहब्बत ये केवल इजहार हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई पैमाना नहीं है। और हम लोग कई बार क्लास में इस बात को हम तो कहा भी करते हैं कि किसी को किसी से मोहब्बत है तो कितनी, 5 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, कितनी है, कोई पैमाना नहीं। आप जितना डूबते जाएंगे, जितना डूबते जाएंगे उतना ही आप इस प्रेम का आनंद आपको आता जाएगा। तो ये फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं,
गणेश जी ने जो कहा मैं उसी को चार पंक्तियों में आप लोगों को समर्पित करता हूँ, फिर वहां से बताइएगा कि कैसी लगी। छड़का के रूप में है कि बारिश का पता नहीं है, बारिश का पता नहीं है, बादल घूमड़ रहे हैं। बारिश का पता नहीं है, बादल घूमड़ रहे हैं। और पायल का पता नहीं है, घुंघरू खनक रहे हैं। बारिश का पता नहीं है, बादल घूमड़ रहे हैं। पायल का पता नहीं है, घुंघरू खनक रहे हैं। बिस्तर पे करवटे हैं, बिस्तर पे करवटे हैं, सिर्फ करवटे हैं। या हम बदल रहे हैं, वा तुम बदल रहे हो। या हम बदल रहे हैं, वा तुम बदल रहे हो। और सभी लोग आपको सुनने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, तो आपसे निवेदन है कि हम आपकी भाषाओं से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, गणेश जी ने शेर में तो जो कुछ कहा, मैं ऊपर कार्य कर रहा था, शरीफ जी के भी शेर मेरे कानों तक पहुंचे थे, और आपको सुनकर मुझे याद आ गई धर्मवीर भारती की, जब उन्होंने लिखा था कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। धर्मवीर भारती को पढ़े हैं ना, ये उन्हीं का शेर है, मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं। और तब जब आपके आपकी गजल में सुन रहा था, उस समय मुझे हरिवंश राय बच्चन जी याद आ रहे थे कि इस पार प्रिय तुम ही तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार तुम्हारी सूरत है, उस पार तुम्हारी मूरत है, इस पार तुम्हारी सीरत है, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये चूंकि ऐसा माहौल बनता चला गया, चलिए एक और सुना दे रहा हूं कि ये शायद सभी आप लोग सुन भी चुके होंगे। मन भामिनी मान महान करो नहीं आन, तो कुछ लोगों को अभी जैसा आप कह रहे थे, कुछ लोगों को इस बात का थोड़ा सा दर्प हो जाता है, गर्व हो जाता है। तो इस संसार में गर्व जैसी कोई बात नहीं होती है कि मन भामिनी मान महान करो नहीं आन, अनंत संभाल के राखो। और भी शब्दों का प्रयोग है इसमें कि मन भामिनी मान महान करो नहीं आन, अनंत संभाल के राखो। और मत मस्त मधुर मुख मंडल पै महिमा मही मंगल बैन को राखो। कितना भी सुंदर मुखमंडल हो, लेकिन अगर आपकी वाणी थोड़ा सा भी अटपटी हो जाती है तो सारी सुंदरता व्यर्थ चली जाती है। तो मधुमस्त मधुर मुखमंडल पै महिमा मई मंगल बहने को राखो। और तुम चो कि चुभ जाए जहां, चुभ जाए चकोर के चक्षु नहीं चल चंद्र के चंदन साथ को राखो। ओ अनंग के नंदन नाथ सखी प्रिय पावन आपन साथ ही राखो। मन भावनी मान महान करो नहीं आन, अनंत संभाल के राखो। तो ये सारी चीजें हैं और समय अपनी तरफ खींच रहा है। एक बात आप लोगों को मैं यहां मंच से एक मंत्र देना चाहता हूं। जो लोग जा रहे हैं यहां से, कई बार ऐसा होता है कि आप सुनते बहुत कुछ हैं, कहने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन कहने के लिए समय स्थान और आप क्या कहना चाह रहे हैं
इनका तारतम्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए दो पंक्तियों में मैं अपनी बात यहाँ पर रख दे रहा हूँ कि जान कर कुछ न कहना बड़ी बात है, दोस्तों मौन रहना बड़ी बात है, जान कर कुछ न कहना बड़ी बात है, लोग प्रतिशोध की जिंदगी जी रहे, चोट पर चोट सहना बड़ी बात है। ये धैर्य की पराकाष्ठा होती है। और एक मिनट आपका और लूंगा क्योंकि शायद भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है और अभी सर को भी बोलना है। नया क्या है, नया क्या है, पुराना क्या है, कौन कहे? नया क्या है, पुराना क्या है, कौन कहे? सब दिनों का फेर है, कौन कहे? नया क्या है, पुराना क्या है, कौन कहे? सब दिनों का फेर है, कौन कहे? वही हम हैं, वही तुम हो, वही दिन है, वही रातें। वही हम हैं, वही तुम हो, वही दिन है, वही रातें। कुछ अच्छा भी करो यार, कौन कहे? कुछ अच्छा भी करो यार, कौन कहे? बचपन भी सभी में है, जवानी भी सभी में है। बचपन भी सभी में है, जवानी भी सभी में है, बुढ़ापा भी सभी में है, रवानी भी सभी में है। कुछ मौत के बहाने ही कर लो यार, कौन कहे? कुछ मौत के बहाने ही कर लो यार, कौन कहे? न तुम सुधरे न हम सुधरे। गणेश जी, आपके शेर की झलक इसमें मिलेगी कि न तुम सुधरे न हम सुधरे। जीवन के मोती जाने कहाँ बिखरे। न तुम सुधरे न हम सुधरे, जीवन के मोती जाने कहाँ बिखरे। कभी खुद भी सुधार कर लो यार, कौन कहे? कभी खुद भी सुधार कर लो यार, कौन कहे? पुनः एक बार आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और इस मंच से, संस्थान की ओर से भी और मेरी ओर से भी आपके लिए सदैव उन्नति के प्रत्येक पथ पर, जहां पर भी मार्ग मुड़ा हुआ है और आप भटक रहे हैं, कभी भी याद करिएगा हम आपके लिए तत्पर हैं, हमारे साथी आपके लिए तत्पर हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा आशीष है, मेरा आशीर्वाद है कि मेरे सारे बच्चे जिस क्षेत्र में भी जाएं, नौकरी करें, उस क्षेत्र में डाय गोंडा की अंगूज गूंजनी चाहिए और यहां से सीखी गई सीख उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होनी चाहिए। यही मेरी अपेक्षाएं हैं, यही मेरी आशाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और शुभकामनाएं। हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्याली में होता है, हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्याली में होता है, लेकिन एक कलाकार का नशा सिर्फ तालियों में।